ऑक्सीजन ओएस 11.1.5.5 फॉर द 1+9R। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग 1+9R स्मार्टफोन के लिए नए अपडेट का इंतजार कर रहे थे काफी बेसब्री से, तो आज आप लोगों को नया अपडेट देखने को मिल गया है 1+9R डिवाइस के लिए 11.1.5.5 का। इस नए अपडेट पर आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पहले मैं आपसे बात करता हूँ कैसे आप इसे अपडेट कराएंगे। सिंपली आपको इसका जो पैकेज है, अगर OTA अपडेट के द्वारा देखने को नहीं मिलता है, तो उसे आप ऑक्सीजन अपडेटर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ सिंपली इस तरीके से आपको ये फाइल मैनेजर में नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली अपनी सेटिंग्स पर टैप करना है, सिस्टम पर जाना है, सिस्टम अपडेट पर टैप करते हुए यहां से इसको चूज कर लेंगे और इसे इंस्टॉल नाउ पर टैप कर देंगे। उसके बाद इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और ये कुछ ही समय में आपका इंस्टॉल होकर के आ जाएगा अपडेट। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं अगर आप हाल ही में अपडेट करना चाहें तो। आने वाले समय में आपको ये OTA अपडेट के द्वारा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात करूं क्या कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल 2021-8 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल आपको नया देखने को मिल जाता है अगस्त मंथ का, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है। साथ में अगर आप इसमें देखेंगे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, तो कोई अपडेट नहीं मिला है, वो आपको जून मंथ 2021 का देखने को मिल जाता है। परंतु अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आपको हो सकता है ये अपडेट देखने को मिले, परंतु ये वही अपडेट को यहाँ पर रिफ्रेश कर देता है सिस्टम के GMS पैक को। तो इसलिए आप इसे रिस्टार्ट जरूर कर दें अपडेट करने के बाद। इस तरीके से ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में हर बार की तरह इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली जाती है। एम्बियंट डिस्प्ले के अंदर आपको EOD का फीचर देखने को मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये आप फीचर्स देखेंगे तो कस्टमाइजेशन के अंदर आप जाएंगे अपने डिवाइस के, उसके बाद किसी भी आप क्लॉक ऑन एम्बियंट डिस्प्ले को सेटअप कर देते हैं, उसके बाद आप लॉक स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपकी ये जो क्लॉक है वो आपको देखने को मिल जाती है, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फीचर्स आपको अब अवेलेबल हो गया है, इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादातर पूछ रहे थे। तो आप कोई भी कैनवास मोड का आप बना सकते हैं यहाँ पर अपना आर्ट, और उसको AOD पर बना करके आप वॉलपेपर या फिर किसी को शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। साथ में न्यूली एडिट बिटमोजी AOD का फीचर्स अब आपको इस पर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसको सेटअप करने के लिए कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेशन के अंदर जाना होगा, और यहाँ पर क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले पर टैप करेंगे तो बिटमोजी का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन। उसके बाद उसकी ID वगैरह बनानी होगी और ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपका ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो इमोट है वो अगर पहले से रेडी है ID के द्वारा, तो वही इमोट यहाँ पर आपका शो कर जाता है, और कुछ इस तरीके से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। और ये हर समय थोड़े थोड़े अंतराल पर चेंज होता रहता है आपका AOD पर बिटमोजी, तो ये भी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर मैं अभी इसको 2-3 दिन और ट्राई करूँगा, तब आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें यहाँ पर कितना आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ केवल जो अपडेट आया है उसके बारे में कैसे अपडेट कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये कितना ज़्यादा फिक्स हुआ है और इसमें क्या कुछ अभी कमी है, इस अपडेट को अपडेट करें या फिर नहीं, इस वीडियो में मैं आपको ये सजेशन नहीं दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।